हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी इटली में हुए हैं 9 o'clock और बेबीज़ का टाइम हो गया उठने का, और तीनों बेबीज उठ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि तीनों एक टाइम पे सो जाते हैं और एक ही टाइम पे उठते हैं। और जब ये छोटे थे तब इनकी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो हमारी भी नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तब इनकी रूटीन सेट हो गई है सोने की। और अभी ये उठ गए हैं, अभी इनको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, खुद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दिन का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय बॉयज। आहिल, सुबह हो चुकी है, 9 बजने सुबह के। चलो शाबाश, चलो शाबाश, ब्रेकफास्ट, चलो 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 जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। आए, गुड मॉर्निंग ताबिश, गुड मॉर्निंग। ताबिश की भी सुबह हो चुकी है भाई। ताबिश अम्मी अब्बू के रूम में था। गुड मॉर्निंग आहिल, सुबह सुबह उठते ही रोना धोना स्टार्ट है। और ये हमारा टाइम सुबह सुबह वॉकर में। हाय, चाओ। नज़ारा है मेरी विंडो से बाहर का, और आज भी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है। ओके जी, तो बेबीज़ ने ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना, फिर मैंने इनके क्लोथ्स चेंज करवाए, और अभी इनके खेलने का टाइम है खिलौनों के साथ। तो कभी बोर हो जाते हैं फिर वॉकर में खेलना शुरू कर देते हैं। आहिल माशाल्लाह खुद से पकड़ के पीने लग गया है फीडर, और साइम माशाल्लाह जब 2 मंथ्स का था वो तब से ही पीता है। वैसे तो तीनों माशाल्लाह सलूक के इतफाक़ से खेलते हैं, लेकिन किसी को अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, जैसे ताबिश को पसंद आ जाएगा कि सेल फोन लेके आना है, तो वो छीन लेगा साइम से, और तो साइम इस चीज़ से थोड़ा सा, वैसे साइम अपना खेलता रहता है, वो मासूम है माशाल्लाह से, जब से पाकिस्तान से आया है उसको पाकिस्तान रास आया है। बाकी दो ये जो शरारती हैं ये उसको छेड़ते हैं और उसके हाथ से चीज़ें छीन लाते हैं, तो अभी भी एज यूजल यही चल रहा है, छीना झपटी। हेलो ताबिश माशाल्लाह अपना खेल रहा है, ये आहिल और ये है साइम। क्या चाहिए आपको? सेल फोन, ये लो। यहाँ एज यूजल आहिल को चाहिए फैन, और ताबिश अपनी चीजें फिर छोड़ता नहीं है। ओके जी, तो अभी बेबीज के सोने का टाइम है, तो अभी पहले मैं इनको सुला लूँ, उसके बाद में इनका लंच प्रिपेयर करेंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगी आज बेबीज क्या खाएंगे। ये माशाल्लाह दोनों बेबीज अपनी करेलों में सो गए, ये आहिल और ये साइम। अभी ताबिश रहता है सोने के लिए, अब उसको सुलाते हैं। ओके जी, तो ताबिश भी ऑलमोस्ट सो गया है, और ये ताबिश याद है हाथ में अपना कोई ना कोई खिलौना लेके सोता है, और बाकी दो ये सो रहे हैं। आज मैं बेबी के लिए बनाने लगी हूँ ओट फ्लेक्स, इसको दलिया भी कहते हैं, और बेबीज इसको ना बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इनको चेंज कर करके देती हूँ फूडिंग वगैरह, ताकि इनका जो टेस्ट है वो चेंज होता रहे। कभी ये देती हूँ, कभी पास्ता, कभी जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं वो बॉईल करके उनके प्यूरी बना के फिर वो देती हूँ। तो ये हैं पैनकेक्स, और कल बेबीज़ ने ये खाए हैं, उनको बहुत अच्छे लगे हैं, ये भी खा सकते हैं, ये तो मुझे भी अच्छे लगे। ओके जी, तो ये हैं ओट फ्लेक्स, और इसमें मैंने डाल दिया मिल्क, और इसमें थोड़ी सी शुगर डालनी है, इतने से डालेंगे शुगर, और इसको बॉईल होने रखते हैं। अच्छा, एक तरफ हो रहा है दलिया रेडी, और दूसरी तरफ हम रखते हैं पास्ता। आज हम पास्ते में डालेंगे चिकन, चिकन पास्ता बनाएंगे। ओके जी, तो यहाँ पे ओट फ्लेक्स ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, और वहाँ पे चिकन पास्ता तैयार हो रहा है, अभी ये रेडी हो जाए फिर बेबी इसको खिलाते हैं। अच्छा, तो दोनों बाकी सो रहे हैं, और ये बहुत शरारती है, ये रात को भी बहुत तंग करता है मुझको, हर 10 मिनट बाद उठ जाता है, हर 10 मिनट बाद उठ जाता है। अभी भी मैंने इतनी मुश्किल से सुलाया इसको, नो इसको नहीं हैंड लगाती, बुरी बात है। अभी जो है जब से पाकिस्तान से आया तब से ये काबू नहीं आ रहा। बाकी दो अभी सो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो है ये उठ गया है, अभी इसको लंच करवाएंगे। आज़ो, शाबाश। कैसे हो?
मेरा बॉय अच्छा जैसे ही मैं किचन में आती हूँ वैसे पीछे रोना धोना बता देता है कि मुझे गोद में उठा लो आज आज आते सारे रोने खत्म है चलो कोई बात नहीं बीप लगा दिया ताकि अपने क्लोज जो है वो खराब ना करे बेबी क्या बात है इसके काम देखो चा चा ताबिश कहाँ पे गई हुई हो आप नीचे टेबल के बाहर निकलो ये इतने प्यारे प्यारे फ्रेश फ्लावर्स थे बेचारे अब मुरझा गए हैं इनकी मुद्दत पूरी हो गई ओके जी तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म होप्स हो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़